झूला झूलने की खाना खाना है खाना झूला दुद्दू खाना झूला दुद्दू तीनों जी खाना झूला दुद्दू अच्छा लग रहा है मजा ये बंदी इधर ध्यान दो पेशू गिर जाओगी इधर ध्यान दो जब हम लोग आए थे पार्क में एक भी बच्चा नहीं था अभी पूरा फुल हो गया पार्क लेकिन प्रेशु को अभी भी वापस नहीं जाना है प्रेशु मजा मजा कैसे मजा मम्मा का तो आज करवा चौथ हो रहा है पानी भी नहीं पिया ना खाना खाया है शाम के 5 कितने बज गए 5:13 हो गया करवा चौथ आने वाला है गिफ्ट अभी से ढूंढ लो फिर ना जल्दी जल्दी में मिलते नहीं है यार इस करवा चौथ पे क्या देने का प्लान है हर बार की तरह चैन तो हर बार देते हो इस बार सुकून दे दो Precious, Precious, where are you going? Gummi, kich kich hat. Come, go that side. Papa pass. Preshu, idhar idhar, mama. Don't back. Come. Hold him. Precious. Precious, bye. Mama, aaja. Acha. प्रेशु जा रही है अपना आधार कार्ड बनवाने प्रेशु कहाँ जा रहे हो प्रेशु घूमी जा रही है घूमी अभी बज रहे हैं कितने 3 बज गए हैं लेकिन देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है बिल्कुल ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत धूप है लेकिन उतनी गर्मी नहीं लग रही है प्रेशु ये साउंड कहाँ से आ रही है हाँ ये साउंड इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हम लोग कार में बैठे हैं एंड पार्किंग ऑन की है पापा पापा भी आ रहे हैं पापा थोड़े डॉक्यूमेंट्स लेने गए हैं आज हम जा रहे हैं प्रेशु का आधार कार्ड बनवाने प्रेशु ये बोलो ये थम्स अप ये प्रेशु थम्स अप पापा इज कमिंग डोंट वरी पापा इज कमिंग और ये प्रेशु ने आज ग्रीन टी शर्ट पहनी है
शार्क वाली एंड पर्पल कलर इसकी पैंट है और ग्रीन कलर के शूज पहना रहे थे हम लोग ग्रीन एंड पर्पल, लेकिन नहीं प्रेशु को अपनी मर्जी के पहनने, तो उसने ब्लैक शूज पहने। मर्जी अपनी चलाएंगे अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे जो मन होगा। मैं सोच रही थी थोड़ा मैचिंग हो जाएगा, ग्रीन एंड पर्पल टाइप के वो शूज हैं, लेकिन नहीं प्रेशु को ना वही पहनना है अपने टाइप वाला। हम लोग आ गए हैं पोस्ट ऑफिस के घर के पास में, ये करीब 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे इसका आधार कार्ड बनेगा और ये देखिए साइड में मस्जिद है और जहाँ पे अजान होने वाली है और उसके बगल में ही मंदिर भी है और थोड़ा इधर जाएंगे तो चर्च भी है। एक ही तरफ पूरा हमारा भारत है। हम लोग इस बार आफ्टरनून में आए क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग आते हैं ना बहुत रश होता है, काफ़ी वेटिंग हो जाता है, तो इसलिए हम लोग आफ्टरनून में आए हैं। पिछली बार यार लेकिन इस साइड से बंद है, ये भगवान आज कहीं हॉलीडे ना हो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए इस तरफ से बंद है, इधर से एक बार पता करते हैं कि ओपन है कि क्या हुआ है कि बंद है आज। यहाँ पे बना था अभी पता नहीं ब्रेक है या क्या है। हम लोग घर से बाहर निकले और एकदम से अमेजोन उसका फोन आ गया कि वो एक्सचेंज के लिए आया। उन्होंने ना हमने उनसे वेइंग स्केल मंगाई थी और उन्होंने हमें पुरानी भेज दी, तो वो एक्सचेंज के लिए दिया था। तो अभी हम लोग बस घर से बाहर निकले हैं, वो घर पे आके वेट कर रहा है, तो इसलिए उसको हमने गेट पे ही बुला लिया है कि आप गेट पर आ जाइए, हम गेट पर आकर उसे दे देंगे। आज बहुत अच्छे से इन्होंने दिमाग लगा कि ये पार्सल इसी में रख लिया था कार में, तो बस अभी उसको हम गेट पे बुलाएंगे मेन गेट पे और यहीं पे दे देंगे और उसके बाद आगे काम पे चले जाएंगे। यहाँ पे इस प्रशु का आधार कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि वो अभी पता नहीं 2-3 डेज के लिए पूरा काम बंद है। बोल रहे हैं कि अभी आधार कार्ड का उन्होंने क्यों नहीं बन रहा है, स्टाफ कम है तो इसलिए उन्होंने अभी 3 दिन के लिए काम बंद कर रखा है। अभी 3 दिन तक नहीं बनेगा, लेकिन हमें इसका आधार कार्ड अर्जेंट में बनवाना है क्योंकि उसमें हमें इसके वजह से पासपोर्ट बनना है, प्रेशु को पासपोर्ट बनना है। अच्छा ओके तो फिर बस अब हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं कहीं और बनता है, कहीं और जाके देखते हैं एक बार, कहीं और बन जाए तो अच्छा ही है, एनरोलमेंट नंबर मिल जाए उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो काम हुआ नहीं तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार यहाँ पता करते हैं कि अगर यहाँ पे होता है कुछ तो आज प्रशु का आधार कार्ड बन जाए। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब वहाँ बोल रहे हैं 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि स्टाफ कम है, मतलब हद ही रीजन है। तो अब हम लोग आ गए हैं मार्ट, थोड़ी सी सामान ले लेते हैं। प्रशु गेट डाउन, गेट डाउन प्रशु एंड दे जंप। गंदे शूज पहन के आए ये लोग, शूज भी इसने नहीं पहने, मानी नहीं, बोलती यही पहनूंगी। टेक दो स्ट्रॉली प्रशु, दिल में नहीं बेता इश्क है सांसों में अब जुड़वा, आज अब कैसा शर्माना, I'm not afraid to die।
बिलिंग तो करानी पड़ेगी। बिल्ली ने बिलिंग कराना पड़ेगा प्रेशु। प्रिशु आए थे सिर्फ पोहा लेने और इतना सारा सामान ले लिया, हमेशा यही होता है। वो जा रही प्रिशु। चलो प्रेशु डिक्की में पूरा सामान डालो। प्रेशु डालेगी। प्रेशु देखो नहीं रखो। वेरी गुड। क्लैप क्लैप। हाँ मशीन मंची मशीन सर शी नोज पता है एक जगह लिखा हुआ था तो मुझसे बोलती मम्मा ए ए और बी ने पहचान ली। बोलती मम्मा ए बी सी ए बी सी डी। वाओ प्रेशु वेरी गुड। ये जया दीदी के लिए लिया है मम्मा ने, दीदी को दे देंगे। ओके प्रेशु के लिए घर पे है, दीदी को भी अच्छा लगता है ना तो जया दीदी को दे देंगे, पार्वती आंटी को। वो भी मैगी खाएंगे ना बेटा। हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी है और एक पैकेट उनको दे देंगे। ओके हाँ मंची है मंची डालने का। हैवी है यार। हाँ इसको पता है ये मशीन में डालते। पिकल पिकल मिर्ची यार हैवी है। हाँ लाइजोल जे लाइजोल। थैंक यू वेलकम। मिक्सचर हाँ प्रेशु मिक्सी। हाँ प्रेशु प्लेन। वाओ शी नोज प्लेन वेरी गुड। ये तो प्रेशु ने पूरा सामान रख दिया। थैंक यू प्रेशु कितना हेल्प करते हो। मम्मा पापा को कोई काम ही नहीं करना है। हाँ पता नहीं कुछ ऊपर लगा होगा नहीं तो एंड ओडोमॉस स्प्रे स्प्रे मॉस्किटो के लिए। मॉस्किटो था ना कल एक चीनो। हाँ प्रेशु का प्लेन या प्रेशुस प्लेन। एंड नाउ प्रेशु ब्रश। प्रेशु ब्रश ये प्रेशु ब्रश हो। अरे वाह वेरी गुड।
प्रेशु कम बैक एंड प्रेशु भाग गई पीछे स्ट्रॉली रखने। वेरी गुड थैंक यू प्रेशु। चलो लेट्स गो कम लेट वेट अनलॉक करने दो लॉक है। प्रेशु आगे से हटो थोड़ा बिल्डिंग झूला। तो चलो ठीक है अब प्रेशु का आधार कार्ड तो नहीं बन पाया चलो झूला ही झूला देते हैं। झूला झूलना है तो चलिए अभी घर नहीं जाते हैं सीधा। ये रही हमारी बिल्डिंग और ये रहा सामने ही पार्क है जो आपको हमेशा दिखते ही है। तो बस अब इसको हम लोग झूला ले जाते हैं। झूला झूल लेगा प्रेछुआ मेरा। झूला झूलने की खाना खाना है खाना झूला दुद्दू खाना झूला दुद्दू तीनों जी खाना झूला दुद्दू। अच्छा मतलब इन्हें खाना भी खाना है दुद्दू भी पीना है झूला भी झूलना है। सोना मेरी जाना चलो झूला झूलने चलते हैं। चले चलो चलो ओके कितनी जल्दी पड़ी ऐसे झूला झूलने की। चलो 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 एंड प्रेशु इतनी ज्यादा खुश हो गई ना जैसे इसको झूले का पता चला। वो झूला गंदा है प्रेशु उस वाले पे बैठ जाए। और वो रहा हमारा घर। हमारा घर कहाँ है वो उधर लास्ट बिल्डिंग। खुश हो जाओ हाँ 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 मजा मजा जय हिंद मजा। डरो नहीं नहीं है। ये शॉर्ट्स देख देख के डर इसने नया वर्ड सीखा है डर। डरना नहीं प्रेशु डर होता ही नहीं है कुछ क्यों डर नहीं नहीं गिरोगी गिरोगी नहीं जाओ ऊपर नहीं नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं बस 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 वेरी गुड। इतना अच्छा वेदर है आज प्रेशु देखो वहां पे भी ए भी लिखा है। ये ए और ये बी done।
गो आई विल शूट। बेटा ये बड़े बच्चों का है। नो नो, ये भैया दी के लिए, भाई दी के लिए बहुत बड़ा वाला है। चलो इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे भी रेशु मम्मा हार्ट बीटिंग ऑफ कोर्स। अरे प्रेशु अब किस पे, इस पे प्रेशु, सीख सीख ये प्रेशु, इस पे। इसे बच्चों वाले तो कोई झूलना ही नहीं है, सब बड़े वालों में जाना है। कहाँ गई वो रे? जय हिंद, जय हिंद। प्रेशु स्लाइड स्लाइड स्लोली, स्लाइड डाउन। Very nice, Preshu. Now what? Preshu, it's pe. Aja, it's pe. Come. Come, sit. 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 Mm-hmm.
से नो प्रेशर डोंट स्टैंड स्टिल या पापा इज आल्सो सिटिंग अरे वाह मजा प्रेशर मजा बहुत साउंड आ रहा है नीचे बस उस पे प्रेस ये पूरा लटकने का प्रेशर इस पे कम कम है प्रेशियस प्रेशर शी इज नॉट लिसनिंग प्रेशर कम हियर कम प्रेशर सुन ही नहीं रही है भाग गई No, she is not interested in this one. This is one of my favorite. But she is not coming. She is again gone. Same ride pe jayegi. Swing iska bhi favorite hai. प्रेशु मजा कर लो मजा आ रहा है पापा भी झूले पे बैठने जाए और उसको और पुश चाहिए अच्छा पापा को प्यास मम्मा का तो आज करवा चौथ हो रहा है पानी भी नहीं पिया ना खाना खाया है शाम के 5 कितने बज गए 5:13 हो गया करवा चौथ आने वाला है गिफ्ट अभी से ढूंढ लो फिर ना जल्दी जल्दी में मिलते नहीं है यार इस करवा चौथ पे क्या देने का प्लान है हर बार की तरह चैन तो हर बार देते हो इस बार सुकून दे दो लाइफ भी ना कितनी अनप्रडिक्टेबल होती है कल इतने वक्त मैं हॉस्पिटल में थी इतना एक्चुअली 2 दिन से मुझे फीवर आ रहा था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी हॉस्पिटल में गए दिखाने तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया करीब हाफ डे के लिए पूरा उन्होंने डिटेन करके रखा एंड ड्रिप चढ़ाई सेलाइन चढ़ाया ग्लूकोज जाने क्या क्या पैरासीटामोल भी चढ़ाया तो पूरा मेरा जो हैंड है ना दोनों हैंड्स इतने स्वेलिंग हो गए थे क्योंकि दोनों हैंड्स में चढ़ाया है तो उन्होंने बोला कि अभी 2 दिन तक हाथ में कुछ भी आप पहनिएगा नहीं नहीं तो वो फंस जाएगा ना रिंग्स ना बैंगल्स क्योंकि काफ़ी इसमें स्वेलिंग है अभी भी लेकिन हाँ वही है बच्चों के लिए अच्छा भी लग रहा है खैर यहाँ पे आके पहले मुझे लगा था आज मैं रेस्ट करूँगी जब मैं हॉस्पिटल से आई कल शाम को उसके बाद से मैं पूरा रेस्ट ही कर रही थी बेड पर ही लेटी हुई थी लेकिन कितना देर तक लेटो और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है बिकॉज हम अगर सोते रहेंगे तो बच्चे तो बिल्कुल बोर हो जाएंगे तो आज प्रेशु का वैसे ये बहुत ज़रूरी भी था आधार कार्ड बनना है क्योंकि हमें उसके बाद उसका पासपोर्ट बनने देना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ये आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी है तो लेकिन ये आधार कार्ड का काम हुआ नहीं 2 जगह गए हैं तो अभी हमें मी सेवा केंद्र जाना पड़ेगा वो शायद हम लोग अब संडे जाएं क्योंकि कल छुट्टी नहीं है कल ऑफिस रहेगा
तो मैंने सोचा चलो आज निकले ही हैं तो प्रेशु को थोड़ा पे यहाँ पार्क में, वैसे ये आती है पार्क में, लेकिन आज हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, आज हम लोग 4 बजे आ गए हैं। डेली अगर कभी आती भी है तो 5:30 अराउंड आती है, 6 के करीब आती है, 6 से 7, 7:30, 1-1.5 घंटे खेलती है। जब पूरा लाइट्स ऑफ हो जाते हैं ना तब ये यहाँ से जाती है रोते हुए। उसके बाद भी हम लोग इसको सोसाइटी के अंदर रोड पे ही थोड़ा साइकिलिंग करवाते हैं, ये सब करवाते हैं, क्योंकि ये नहीं तो मानती नहीं है। लेकिन आज इसको बहुत टाइम मिल रहा है, अभी 4 बजे हम लोग आए हैं और ये 6-7 बजे से पहले तो जाने वाली नहीं है। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, लाना तो ठीक है लेकिन घर वापस जाना प्रॉब्लम है। हैवी है यार ये तो। मम्मा जो पापा से अभी तुम्हें एक्सरसाइज करनी तो ऐसे ऐसे कर सकते हो। आओ चले प्रशु घर आ जाओ। तो हमको करीब 2 घंटे हो गए पार्क में, जब हम लोग पार्क में आए थे एक भी बच्चा नहीं था और धीरे धीरे यहाँ पे सारे बच्चे आने लगे हैं, लेकिन प्रेशु अभी भी रेडी नहीं है घर जाने के लिए। हम लोग सुबह से बहुत टायर्ड हो गए हैं, बिकॉज़ पहले वैसे ही तबीयत ठीक नहीं और मुझे तो फिर से फेवरिश भी फील होने लगा है। अभी एक चीज़ अच्छी होती है सोसाइटी में रहने से कि अंदर ही आपके जो सोसाइटी होती है उसके अंदर स्विमिंग पूल भी होता है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होता है, हर तरह के झूले होते हैं। आजकल इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं जो आप, और इवन सेफ्टी भी होती है अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहें, कहीं इंटरनेशनल जाना चाहें या घर में ही मतलब दूसरे रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना चाहें तो घर भी आपका सेफ रहता है, जो बाहर नहीं होता है लोगों को। जबकि पेरेंट्स को क्या होता है, पेरेंट्स को पसंद नहीं, तो पेरेंट्स को जो नॉर्मल घर होते हैं मतलब फ्लैट सिस्टम उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे लगता है यार फ्लैट में सेफ्टी रहती है, और आजकल की सोसाइटीज़ में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। नहीं तो बाहर अगर आप रहेंगे अलग कहीं पे नॉर्मल जो घर होते हैं वैसे टाइप का लेके रहेंगे तो बच्चों को लिए पार्क भी नहीं होता, मेन रोड पे बच्चे घर के बाहर खेलने भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल रोड होती हैं, गलियां होती हैं, या तो मेन रोड होता है। लेकिन अगर मेन रोड पे घर नहीं है, अंदर गलियों में भी है, तो कहीं पार्क नहीं होता पास में, स्विमिंग पूल भी इतना दूर होता है कि बच्चे डेली स्विमिंग नहीं जा सकते छोटे बच्चे। पार्क भी पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता है, बच्चे और पार्क इतना दूर होता है कि उनको अगर ले जाना भी होता है तो संडे संडे ले जाएं, नहीं तो संडे भी नहीं ले जा पाते महीने कभी 1 महीने। तो बच्चे तरसते हैं ये सब चीज़ों के लिए जो यहाँ पे इतने ईजली मिल जाती हैं बच्चों को।
तो मुझे तो ये एनवायरनमेंट बच्चों के लिए ये एनवायरनमेंट बेटर लगता है। मैं क्योंकि इन्हें बोला जा रहा है अब घर चलो। चलो प्रेशु, जब प्रेशु आई थी पार्क में एक बच्चा नहीं था पूरा। प्रेशु जब हम लोग आए थे पार्क में एक भी बच्चा नहीं था, अभी पूरा फुल हो गया पार्क, लेकिन प्रेशु को अभी भी वापस नहीं जाना है। अभी पता है सारे बच्चे घर भी चले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन तब भी प्रेशु यहीं पे रहेंगी। हम लोग जा रहे हैं घर। क्लैप करेगी तो गिर जाएगी। चलो और ऊपर जाओ। अच्छा देखिए इसको ध्यान दो नहीं तो गिर जाओगी। दीदी को मत देखो। प्रेशु के मजा अच्छा लग रहा है। मजा ये बंदी। प्रेशु इधर ध्यान दो। प्रेशु गिर जाओगी इधर ध्यान दो। प्रेशु फोकस। दिखा दो है। चलो आगे चलो। ये यहाँ होल्ड होल्ड इट है प्रेशु। होल्ड दिस प्रेशु यहाँ। ये फिर भी हाफ तक आ गई। वेरी गुड प्रेशु। या डोंट लीव अस। वेरी गुड। ऊपर खींचो अपने आप। चलें घर। इसके ना ये सब ना हम लोग करते थे ना ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसके लिए वो चाहिए।
वेयर इज शी गोइंग? चलो प्रेशियस कम, चलो चलो। हाँ वेयर आर यू गोइंग? प्रेशु, ए प्रेशु कहाँ झूला? पकड़ो ये, पकड़ो ये प्रेशु, उस वो घर आने के लिए रेडी नहीं है, वो हो रही वहाँ पे उस स्लाइड पे है, वो खड़ी है। ये पापा वेट कर रहे हैं, इधर मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन प्रेशु इज नॉट रेडी। प्रेशु बाय, वी आर गोइंग, कम प्रेशु कम बेटा, वी आर गोइंग। किसी ने उसे हेलो हाई कर दिया होगा तो बस शाई मोड में चली गई हैं। क्या हुआ, क्या हो गया प्रेशु? पापा गोइंग, चलो चलो, वो होल्ड हैंड। चलो प्रेशु, ब्रेक मिल गया तो अब उसी को भी। फाइनली प्रेशु रेडी हो गई है वापस चलने के लिए घर, अदरवाइज इसको वापस ले जाना ना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होती है चलने के लिए। अच्छा
तो अभी बज रहे हैं शाम के 7, हम लोग जा रहे हैं घर, 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे और उसके बाद प्रेशु को फ्रेशन अप कराएंगे, अच्छे से नहला धुला के चेंज करके उसके बाद हमें सब्जी लेने भी जाना है, यहीं पास में ही जाएंगे। प्रेशु को नहला धुला दिया और हम लोगों ने अभी चाय नाश्ता किया है और प्रेशु खा रही है अपना फेवरेट ओरियो। मज़े देखो कितने आराम से लेट के खा रही है, और ये लावू ने से ना जो टेक्निक सिखाई है उसी से खाती है। प्रेशु बेबी क्या खा ले हो? बिस्किट की क्रीम खा रहे हो? बिस्किट भी खाना, ये इसने एक बिस्किट इधर साइड में रख दिया है, क्रीम सफा चेट कर ली एंड बिस्किट साइड में आ गया है। प्रेशु बिस्किट के साथ यू आर सपोज टू ईट, नहीं क्रीम के साथ यू आर सपोज टू ईट द बिस्किट ऑल्सो, बट प्रेशु को नहीं, प्रेशु को जस्ट क्रीम खानी है। पहले क्रीम खा लेगी उसके बाद बिस्किट भी खाई। बिस्किट बिस्किट, इतनी बदमाश है, इसने शॉर्ट्स में कहीं देख लिया बिस्कुट तब से बिस्कुट ही बोलेगी। बिस्किट, वाओ बिस्किट, बिस्कुट गलती से बिस्किट बोल दिया, देन अगेन शी सेइंग बिस्कुट। ओके ईट ना, आप खाओ। यम्मी इज इट यम्मी? ओके ईट। पूरे हेयर्स में भी क्रीम लगा रहे हैं, यहाँ पे क्रीम लगाई है, इधर इसके हेयर्स देखो, इसको पार्टी में ले गए तो सब बोल रहे हैं यार इसके हेयर्स तो मैगी नूडल्स की तरह हैं, और सच में मैगी नूडल्स की तरह हैं। इसकी अगर ना चोटी कर दो ना ऐसे गुद करके, तो वो चोटी में रबर बैंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो चोटी खुद से गोल गोल होकर बैंड हो जाती है। मैंने देखो यहाँ पे इसकी चोटी की है पीछे, ये मैंने चोटी की है, उसके बाद ये खुद ही से रोल हो गई, रबर बैंड की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। प्रेशु अपनी चोक पोनी दिखाओ, ये इसकी पोनी है, मुश्किल से की है, और इतनी पोनी करने के बाद भी इसके पूरे आगे से बाल निकलने लगे हैं, और अभी थोड़ी देर में सारे निकल आएंगे। मुश्किल से आई थिंक 1/2 hour 1 hour इसकी पोनी चलती है, उसके बाद सारी खुल जाती है। कर्ली हेयर्स देखो कैसे लोग ऐसे जुल्फे रोल करते हैं साइड में, इवन जो मैरिज में दुल्हन का मेकअप होता है ब्राइड का, वो भी ऐसे किया जाता है ना, एक लट ऐसे साइड की कट करके उनको ऐसे रोल किया जाता है। ये देखो नेचुरल कर्ल्स कितने खूबसूरत हैं इसके हेयर्स, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल कर्ल्स। ये वाला कर्ल देखिए ये क्या है, कितना ज़्यादा, चलिए इसको पीछे कर दें, डिस्टर्ब होते हैं।